हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका लाइफ इजिया चैनल पे। आजकल हमारे देश में एक मुद्दा काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है और वो है किसानों का मुद्दा। यहां तक कि कई पार्टीज़ ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसको अपना नेशनल मूवमेंट बना रखा है। हम इस वीडियो में कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन 3 बिल्स की जिसे पार्लियामेंट से पास किया गया है, राज्यसभा से पास किया गया है, और इन बिल्स पर जब राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे तो ये एक एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। हम बड़े इजी लैंग्वेज में, बड़े इजी वे में इन 3 बिल्स को समझेंगे और किसानों के लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या उनके लिए नुकसान है, क्या उनके डाउट्स हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग समझ जाएंगे अगर मैं इनको इजी वे में समझाऊंगा आपको, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये इजी वे में समझ भी आ जाए। दोस्तों, ये 3 बिल हैं। पहला बिल जो है कि उससे किसान सिर्फ अपने एरिया में लिमिटेड नहीं रहेगा, वो कहीं भी जाके अपनी उपज को, जो उसकी पैदावार है, वो बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है। और जो सरकार ने MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेट किया है, उससे जाके वो किसी भी सरकारी मंडी में बेच सकता है, और सिर्फ वो सरकारी मंडी में नहीं, वो कहीं भी प्राइवेट एरिया में भी इन चीज़ों को बेच सकता है, यानी अपने जो प्रोडक्शन को, अपनी पैदावार को बेच सकता है। दूसरा जो बिल है दोस्तों, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसे हम कहेंगे। उसमें एक किसान से कोई भी एक बड़ी कंपनी आके कॉन्ट्रैक्ट करेगी और किसान उसके लिए वो फसल उगाएगा जो उसको कंपनी कहेगी। इसमें किसान वही फसल उगाएंगे जिसके लिए कंपनी ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसमें क्या होगा, कोई भी बड़ी कंपनी आती है, जो आजकल हम देखते हैं बड़ी बड़ी फूड चेन्स हैं, सप्लाई चेन्स हैं यानी, और रिटेल शॉप्स हैं, वो अपने यहाँ हर तरीके की चीज़ें बेचते हैं, चाहे सब्जियाँ हो गई या कोई बड़ी कंपनी जो आटा बनाती है, जैसे आशीर्वाद आटा का हम नाम ले लें, तो वो क्या करेगी, आशीर्वाद कंपनी जो ITC के अंडर आती है, वो जाके किसानों से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उनसे डायरेक्ट गेहूं खरीदेगी और वो अपना प्रोडक्शन करेगी, गेहूं से आटा बना के मार्केट में उसको बेचेगी अपने ब्रांड के अंडर। अब इसमें मेन इशू क्या है, जब किसान जाके किसी मंडी में अपना सामान बेचता है तो डायरेक्टली वो सरकार को नहीं बेचता है, वहाँ पर कुछ कमीशन एजेंट्स होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, जो किसान से उनका प्रोडक्शन खरीदते हैं, प्रोड्यूस खरीदते हैं, और वो उसको फिर आगे थर्ड पार्टी को बेचते हैं। तो मान लीजिए अगर उन्होंने किसान से 100 रुपये का सामान खरीदा तो उसमें वो अपना कमीशन ऐड करेंगे, उस कमीशन को ऐड करने के बाद वो फिर थर्ड पार्टी को बेचेंगे, जिससे वो थर्ड पार्टी अगर डायरेक्टली किसान से वो सामान खरीदे तो बीच का कमीशन ख़त्म हो जाएगा, उसको चीज़ें थोड़ा सा सस्ती पड़ेंगी, और उससे वो हो सकता है वो कंपनी जो डायरेक्ट किसान से सामान खरीद रही है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाए। पहले उस सामान को अगर वो 150 रुपये में बेच रही थी, 150 रुपये किलो, तो हो सकता है डायरेक्टली किसान से खरीदने की वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए, और उसकी कॉस्टिंग कम होने की वजह से उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, जिससे हो सकता है वो अपना प्राइस को रिवाइज़ करके सस्ते में लाए, तो 150 की जगह हो सकता है वो चीज़ को 140 में बेचे। दोस्तों, तीसरा बिल जो होगा वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, यानी जो बहुत सी ज़रूरी चीज़ें, निहायती ज़रूरी चीज़ें जो रोज़मर्रा के लिए हमें ज़रूरी हैं, सरकार उसको अपने कंट्रोल में रखती थी, सरकार कहती थी कि आप एक लिमिट से ज़्यादा उसको स्टोर नहीं कर सकते, इस एक्ट को इस बिल के थ्रू अमेंड कर रही है, मैं ये कहना चाहूँगा। और इस अमेंडमेंट के बाद जो ये प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो एक लिमिट के बाद भी स्टोर कर सकते हैं। तो अब ये हमने समझ लिया कि ये 3 बिल्स हैं क्या बेसिकली। अब इससे हम कहेंगे भाई किसानों को एक ओपन मार्केट मिल रही है, वो अपना अनाज कहीं भी जाके बेच सकता है, तो ये किसान के लिए बहुत अच्छा है, डायरेक्ट कोई कंपनी आके उनसे सामान खरीदेगी। मान लो वो पहले जाके मंडी में बेचते थे किसी मिडल मैन के थ्रू, और वो जो चीज़ उनकी 100 रुपये की बिकती थी, वो हो सकता है कंपनी उनसे 105 में खरीद ले, 110 में खरीद ले, तो हो सकता है किसान को इससे फ़ायदा हो, अब इसमें मिडल मैन को नुकसान हो रहा है। तीसरा क्या है, तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो चेंजेस आए हैं, इसको अगर हम देखें तो अगर कोई भी किसी चीज़ को स्टोर करता है, कल को कहीं भी सूखा पड़ता है तो वो चीज़ें काम आ जाएंगी, उसकी प्रोडक्शन अगर कम होती है, अगर किसी ने उस चीज़ को स्टोर किया हुआ है तो आने वाले टाइम में वो उसको मार्केट में निकाल सकता है। तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ों का स्टोर करना कभी कभी बहुत किफ़ायती भी हो जाता है, हमारे लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। अब इसमें जो कई पॉलिटिकल संगठन, मैं कहूँगा जो राजनीतिक संगठन है, इसको अपोज क्यों कर रहे हैं, वो किसानों के मसीहा क्यों बने हुए हैं आज के डेट में, या किसानों के कुछ जेन्युइन भी क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड, वो क्या हैं। किसानों का एक सीरियस पॉइंट ये है कि जब वो ओपन मार्केट में चीज़ों को बेचेंगे तो जो ये सरकारी मंडियाँ हैं यहाँ पर लोग जाना बंद कर देंगे। सरकार ने अगर MSP फिट किया है, सेट किया है, मान लीजिए 1000 रुपये प्रति क्विंटल, मैं बहुत कम एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको ले रहा हूँ, अगर गेहूँ का सरकार ने 1000 रुपये प्रति क्विंटल सेट किया है MSP, तो किसान बाहर उसको 1050 में या 1500 में उसको बेचता है, तो सरकारी मंडियों में लोगों का जाना बंद हो जाएगा, किसान अपनी चीज़ों को बाहर ही बेचेगा। इससे क्या होगा, ये सरकारी मंडियां धीरे धीरे बंद हो जाएंगी जब लोग वहां पे चीज़ों को नहीं बेचेंगे। अब इससे क्या होगा, जब एक सरकारी सिस्टम ख़त्म होता है,
तो किसान के पास ऑप्शन खत्म हो जाएगा एमएसपी का, क्योंकि एमएसपी को यहाँ पे कंपलसरी नहीं किया गया है, कंपनियों के ऊपर कंपलसरी नहीं किया गया है। तो किसान को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर कंपनी उनको पर्टिकुलर रेट पे खरीदने के लिए मना कर देती है तो किसान मजबूर हो जाएगा उस कंपनी को कम रेट पे बेचने के लिए। यानी किसान को डर है कल को वो कंपनी उनको ब्लैकमेल कर सकती है, क्योंकि उनके पास सरकारी मंडी का ऑप्शन नहीं होगा जहाँ पे वो जाके एमएसपी के रेट पे अपनी फसल को बेच पाए। ये पहला कंसर्न और बहुत जेन्युइन कंसर्न है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई कंपनी स्टॉकिंग करती है, एसेंशियल कमोडिटीज़ की स्टॉकिंग करती है, उनको इकट्ठा करती है, जमाखोरी करती है, तो इससे उस कंपनी का डोमिनेंस हो जाएगा। यानी वो कंपनी पूरे मार्केट को डोमिनेट करेगी, कल को ज़रूरत पड़ती है तो अपने अकॉर्डिंग उस रेट को बढ़ा सकती है, उस सामान के रेट को बढ़ा सकती है और गिरा सकती है। ये आगे आने वाले टाइम पे काफ़ी गलत भी हो सकता है, और हम सरकार से उम्मीद करते हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, जो किसानों से रिलेटेड कम है, जो बीच में मिडलमैन्स हैं, जो इन सरकारी मंडियों में लोग काम करते हैं, लेबर्स काम करती हैं, उनका कंसर्न है कि उनका काम कम हो जाएगा, उनकी जॉब बंद हो जाएगी। लेकिन किसानों का इसमें फिर एक व्यू पॉइंट है कि मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, वो डायरेक्ट किसान के पास आएगी नहीं, वो प्राइवेट मंडीज़ में जाएगी, और यही जो कमीशन एजेंट्स हैं, यही जो मिडलमैन हैं, ये अपना काम रिप्लेस कर देंगे प्राइवेट मंडीज़ में, ये वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो इनको, किसानों को ये डर है कि सेम मिडलमैन वहाँ मिलेंगे, कंपनियों को डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि चाहे छोटे से छोटा किसान हो, बड़े से बड़ा किसान हो, हमारे देश में जो बड़ी कंपनियाँ डायरेक्ट किसानों से डील करना चाहती हैं वो उनसे डायरेक्ट टच में आए और एक बढ़िया इकोसिस्टम डेवलप हो हमारे यहाँ। किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एक डर और भी है, उनको ये लगता है कि कंपनी अगर उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, उनको कहती है कि आप पर्टिकुलर चीज़ की फसल उगाइए, बाद में हो सकता है वो कंपनी मुकर जाए या उनको कम रेट पे दे, या एक साल उनसे अच्छे रेट पे काम करा लिया, 1500 रुपये प्रति क्विंटल उनसे करा लिया, अगले साल हो सकता है वो उनसे रेट कम कर दे, कल को जब ये सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। तो किसानों के बहुत जेन्युइन कंसर्न है, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझा सकूं, और उम्मीद है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर पाएंगे किसानों के लिए अच्छा बिल है, ये तीनों बिल अच्छे हैं किसानों के लिए, तीनों बिल बुरे हैं। पॉलिटिकली पूरा हंगामा मचा हुआ है देश में, सरकार भी चीज़ों को समझा रही है लोगों को, पॉजिटिव चीज़ें समझा रही है और अपोजिशन वाले नेगेटिव चीज़ें समझा रहे हैं। तो ये आपके अपनी समझ के ऊपर है, आप इसको कैसे लेते हैं। ओवरऑल गवर्नमेंट को भी इन सब चीज़ों में बहुत काम करने की ज़रूरत है, वो लोगों को समझाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे, एक ईगो सिस्टम बढ़िया से डेवलप करे, तो चीज़ें आगे काफ़ी अच्छे से चलेंगी। हम उम्मीद करेंगे सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान देगी, और अभी इन सब चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एमएसपी भी रिवाइज़ किया है। तो हम उम्मीद करते हैं चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी, किसानों के हित में चीज़ें होंगी। हम पॉलिटिकल चीज़ों को अलग रखते हुए ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इन चीज़ों पर ध्यान देगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।